नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम लोग प्रेमचंद जी की कहानी ठाकुर का कुआं का वाचन करेंगे। उससे पूर्व हम लोग प्रेमचंद जी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हुई। आप हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक हैं। आपका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव है। प्रेमचंद को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। उपन्यास के क्षेत्र में आपका बहुत अधिक योगदान है और आपको इसीलिए उपन्यास सम्राट की उपाधि भी दी गई है। आपका जन्म वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ। आपकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता मुंशी अजैब राय लम्ही में थे। आपने उर्दू फारसी से भी अध्ययन अध्यापन किया है। आपको पढ़ने और पढ़ाने का बेहद शौक था। आपका साहित्यिक जीवन 1901 से प्रारंभ होता है। आपकी पहली हिंदी कहानी सरस्वती पत्रिका के दिसंबर अंक में 1915 में सोत नाम से प्रकाशित हुई और 1936 में अंतिम कहानी कफन नाम से प्रकाशित हुई। प्रेमचंद ने हिंदी में यथार्थवाद की शुरुआत की। आपने बड़े घर की बेटी कफन, पूस की रात महत्वपूर्ण कहानियाँ लिखी। आपकी कहानियों का संकलन मानसरोवर नाम से 8 भागों में विभाजित है। आपने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं और 15 उपन्यास लिखे हैं। आपने 3 नाटक लिखे हैं, 10 अनुवाद किए हैं तथा 7 बाल पुस्तकें तथा हजारों पृष्ठों के लेख और संपादकीय भाषण, भूमिका तथा पत्रों आदि की रचना की है। आपने हिंदी और उर्दू भाषा दोनों में ही समान रूप से अपना लेखन कार्य किया है। आपके प्रमुख उपन्यास में से हैं प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान हैं। आज हम जिस कहानी को पढ़ रहे हैं वह है प्रेमचंद की ठाकुर का कुआं। आइए हम लोग इसका वाचन करते हैं। मैं आशा रखती हूँ कि बच्चों को यह सुनकर अच्छे से समझ आने आएगी। ठाकुर का कुआं। जोखू ने लोटा मुंह में लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है, मारे बांस के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिलाए देती है। गंगी प्रतिदिन शाम पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल न थी, आज पानी में बदबू कैसी। लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से। ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा, दूर से लोग डांट बताएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा। कोई तीसरा कुआं गांव में है नहीं। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यासे रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूँ। गंगी ने पानी न दिया। खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी इतना जानती थी, परंतु यह न जानती थी कि पानी को उबाल देने से
उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, यह पानी कैसे पियोगे? ना जाने कौन जानवर मरा है, कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, पानी कहाँ से लाएगी? ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी न भरने देंगे? हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ न होगा, बैठ चुपके से, ब्रह्म देवता आशीर्वाद देंगे। ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी एक के पांच लेंगे, गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता, कंधा देना तो बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को न दिया। रात के 9 बजे थे, थके मांदे मजदूर तो सो जा चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब न जमाना रहा न मौका, कानूनी बहादुरी की बातें तो हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए। कितनी अकलमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मोहत तमीम सभी कहते हैं नकल नहीं मिल सकती, कोई 50 मांगता कोई 100, यहाँ बेपैसे कोड़ी नकल उड़ा दी, करने का ढंग चाहिए। उसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोका नहीं, सिर्फ ये बदनसीबी नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंच हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छंटे हैं, चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडरिये की भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित के घर में तो 12 मासों जुआ होता है, यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं, मजदूरी देते नानी मरती है, किस किस बात में हमसे ऊंचे हैं? हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आँख से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है, परंतु घमंड यह कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई, गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाए, एक लात भी तो नीचे न पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुक कर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर? बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसीलिए तो कि उसने बेगार न दी थी, इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई थी, इनमें बातें हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ यह तो न हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताज़ा पानी लाओ, जैसे हम लोंडिया ही तो हैं। लोंडिया नहीं तो और क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती? 10-5 रुपए भी छीन झपट कर ले ही लेती हो, और लोंडिया कैसी होती हैं? मत लजाओ दीदी,
क्षण भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से यह एहसान मानता, यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह ही सीधा नहीं होता। दोनी पानी भरकर चली गई तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई। बेफिक्रे चले गए थे। ठाकुर भी दरवाज़ा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। इसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी ज़माने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझ कर न गया हो। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी न हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफ़ी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज़ न हुई। गंगी ने दो चार हाथ जल्दी जल्दी मारे, घड़ा कुएं के मुंह पर तक आ पहुंचा। कोई बड़ा शहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से न खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाज़ा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक न होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलकोरे की आवाज़ें सुनाई देती रही। ठाकुर, कौन है कौन है, पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोगू लोटा मुंह में लगाए वही मैला पानी पी रहा था। बच्चों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। प्रेमचंद ने ठाकुर का कुआं कहानी के माध्यम से तत्कालीन समाज में जाति प्रथा के वर्चस्व को और उसके दुष्परिणामों को हमारे सामने इंगित करने की कोशिश की है। जाति प्रथा की कट्टरता से एक बीमार व्यक्ति शुद्ध पानी पीने को तरस जाता है। वह बीमार है लेकिन फिर भी वह पानी शुद्ध नहीं पी सकता। हमारे यहाँ उस काल में पानी पर भी पहरा था। इस जातिगत समस्या को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस कहानी को लिखा और एक दलित परिवार और उच्च वर्ग के बीच मूक विद्रोह को उन्होंने दर्शाया है। प्रेमचंद की जी ने अपनी कहानियों के माध्यम से सामाजिक बुराइयों, जाति प्रथा, दहेज प्रथा, विधवा विवाह, किसानों की समस्याएं, महिलाओं की समस्याएं, इन पर बहुत अधिक अपनी कहानी और उपन्यासों में इनके दर्द को जुबान देने की कोशिश की है और उसकी सुधार की अपेक्षा की है। प्रेमचंद जी पर गांधीवाद का भी बहुत अधिक असर था,
गांधी दर्शन को ही दर्शाने के लिए इसमें इसमें इस कहानी में भी हम इस चीज़ को देखते हैं। सबको समानता का अधिकार हो, प्रकृति दत्त चीज़ों पर सभी का समान अधिकार हो, इन विषयों पर इन्होंने अपनी कलम चलाई। इसीलिए इनके पुत्र अमृत राय ने इन्हें कलम का सिपाही की उपाधि दी। इसी के साथ हम इस कहानी का वाचन समाप्त करते हैं। धन्यवाद।